देखो अब तक पढ़ लिया, बेलोनी केस्टर चल रहा है ना, ठीक है। और उसमें मैंने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसिस चल रही थी, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बाय मेलोनिक एस्टर, ठीक है। अपना चल क्या रहा था, सिंथेसिस ऑफ बाय मेलोनिक एस्टर, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस। देखो इसमें मैंने आप लोगों को सक्सेनिक एसिड की सिंथेसिस बता दी थी और ग्लूटेमिक एसिड की सिंथेसिस बता दी थी, ठीक है। अब तीसरा एडिपिक एसिड, ठीक है, एडिपिक एसिड की सिंथेसिस कैसे करेंगे, क्लियर ये वाली चीज़। क्या लिखूं, सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड, ठीक है, एडिपिक एसिड की सिंथेसिस, क्लियर। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, मेलोनिक एस्टर के दो सोडियम सॉल्ट लिए जाते हैं, ठीक है, और उनकी रिएक्शन करवाई जाती है किससे, जो अपन ने पढ़ा था ना CH2I2N, है ना, क्या पढ़ा था इसके लिए, CH2N और ये I2, ठीक है। तो यहाँ पे अपन N का मान क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो क्या बनेगा अपना, एडिपिक एसिड बनेगा। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। मतलब एडिपिक एसिड के लिए जनरली अपन क्या करते हैं, एन इक्वल्स टू क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो वो एडिपिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, क्लियर क्या ये मेरी बात, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मली आप लोग क्या कर लोगे, जैसे ये लिया मेलोनिक एस्टर, ठीक है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CA, क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। तो एक तो ये है ना। दूसरा क्या है, अब इसका सोडियम सॉल्ट बनाना है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट बनाना है। तो सोडियम सॉल्ट के लिए मुझे एक बात बताओ, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम इथोक्साइड से इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक। और सोडियम इथोक्साइड ये रिएक्शन कैसे करेगा, इस तरीके से C5H5C2 ओ सी डबल बॉन्ड ओ और ये CH, देखो माइनस Na+ सी डबल बॉन्ड ओ ये OC2H5, क्लियर ये वाली बात है, ठीक है, क्लियर ये चीज़। और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ETOH, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा ना। अब देखो इसके बाद में ये तो क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर, ठीक है, ये क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर, क्लियर। देखो आगे इसके बाद में मैं लिखूँ यहाँ पे, जैसे ही लिखा सोडियम सॉल्ट लिया ना अपन ने, 5C2O, मतलब पहले उसकी फॉर्मेशन करी, तो CH-Na+ सी डबल बॉन्ड ओ 5C2, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला अभी, उसके अपने को n बराबर क्या चाहिए, n बराबर अपन क्या लेंगे, यहाँ पे हेयर n इक्वल्स टू क्या होएगा, 2 होएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ CH2I+ Na+ CH-, दो मोलिक्यूल लेने ना इसके सोडियम सोल्ट के, 5 और ये C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से ये एक और ये एक, बताओ ये गया बाहर, है ना, बाहर क्या निकल गया, 2NaI, होता है ना ऐसा कि अपन न्यूक्लियोफाइल के अगर रिएक्शन कराते हैं आर एक्स से, तो एक्स तो बाहर चल जाता है और न्यूक्लियोफाइल का टेक किस पर हो जाता है, आर पर हो जाता है, तो इस टाइप की रिएक्शन है ना ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसमें 2NaI तो गया बाहर, देखो H5C2O सी डबल बॉन्ड ओ CH सी डबल बॉन्ड ओ CH2H5 CH2
सी एच टू सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव, सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव। आई क्या बात समझ में? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, दूसरा इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। ठीक है, क्या करवाएंगे इसका हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, बताओ हाइड्रोलाइसिस हुआ तो यहाँ पे आया सी डबल ओ एच सी एच, यहाँ पे भी क्या आया सी डबल ओ एच, ये सी एच टू ये सी एच टू सी एच, सी डबल ओ एच सी डबल ओ एच। बात क्लियर क्या? अब इसका क्या करवाएंगे डी कार्बोक्सिलेशन, क्या करवा दिया इसका डी कार्बोक्सीलेशन। ठीक है, बताओ डी कार्बोक्सीलेशन होएगा तो दो मोलिक्यूल सी ओ टू के रिमूव होंगे। ठीक है, तो मैंने दो मोलिक्यूल ये हटा दिए यहाँ से, ये कर दिया H और यहाँ से हटा दिया H, ये क्या होएगा अपना एडिपिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है इसका एडिपिक एसिड। आई क्या बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने कल दिया था एच डब्ल्यू के लिए ये सिंथेसाइज करा होगा, क्लियर ना? ठीक है, तो देखो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस अपने क्या हो गई, पूरी हो गई, तीन एसिड बना लिए इसमें। ठीक है, उसमें सक्सेनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और एडिपिक एसिड। ठीक है, देखो आप लोगों ने इससे पहले भी वो जो मेलोनिक एस्टर से बनाया है ना, मेलोनिक एस्टर से सक्सेनिक एसिड और वो करा है ना, सॉरी एसिटोएसिटिक एस्टर से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाए ना, तो ये जो अपन ने लिखा है यहाँ पे इधर इसको देखना आई टू, तो वहाँ पे सक्सेनिक एसिड के लिए एन बराबर जीरो लिखना है ना, और ग्लूटामिक एसिड के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें कोई गलती वगैरह हो गई हो, तो पूरा कंफर्म नहीं हूँ कि गलती हो ही गई है, आप लोग एक बार देख लेना उसको। ठीक है, एन बराबर टू, ये किसके लिए लिखोगे, सक्सेनिक एसिड के लिए, क्लियर, सक्सेनिक एसिड के लिए। ये किसके लिए लिखोगे, ग्लूटेमिक एसिड के लिए। ठीक है, क्या ये किसके लिए लिखोगे, एडिपिक एसिड के लिए। और ऐसा ही मेलोनिक एस्टर के लिए भी होता है ना, मेलोनिक एस्टर में भी अपन इसी तरीके का ये यूज़ करते हैं ना, तो ये तो क्या होता है, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेमिक एसिड और एडिपिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है क्या, अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिक डाइमेथिल सक्सेनिक एसिड। ठीक है, सिमेट्रिक डाइमेथिल सक्सेनिक एसिड अपन किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ पढ़नी है। देखो लिखूं, हेडिंग क्या है अपनी, सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिक डाइमिथाइल सक्सेनिक एसिड, है ना, सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिक डाइमिथाइल सक्सेनिक एसिड, इसकी सिंथेसिस करनी है, क्लियर। तो देखो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, ये, ठीक है, ये वाला इसका जनरल फॉर्मूला होता है, तो पहले तो ये चीज़ पता हो कि जनरल बनाना क्या है ना, ये अपना क्या है, प्रोडक्ट है। तो देखो प्रोडक्ट का अगर नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को पहले से ही होएगा, ठीक है, पहले से ही पता कर सकते हो ना, कि पता कर क्या सकते हो, आपको पता होना चाहिए ये वाली चीज़, ठीक है, नॉर्मली ये चीज़ें पता होती हैं, क्लियर ही, जो फिर आप इसके आसानी से सिंथेसिस कर सकते हो। आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पे सी एच थ्री लिखना है, सी टू एच फाइव लिखना है, कितने कार्बन होते हैं इसमें, ठीक है, तब तक आप इसकी सिंथेसिस नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके लिए क्या पता होना चाहिए आप लोगों को, इसका
जो रियल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फिर आप क्या कर सकते हो, इसकी फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे होता है, इसके लिए मैकेनिज्म देखते हैं इसकी क्या है। देखो इधर सबसे पहले क्या लिया, यहाँ पे मेलोनिक एस्टर लिया। ठीक है, मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन वही अपन पहले क्या करेंगे, इसका सोडियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर क्या? तो बताओ सोडियम सॉल्ट की फॉर्मेशन के लिए सोडियम इथोक्साइड ले लूँ। क्लियर, अब सोडियम इथोक्साइड किसके साथ रिएक्शन करूँ तो क्या बनेगा, C2H5 डबल बॉन्ड O CH माइनस Na प्लस C डबल बॉन्ड O O C2H5। बात क्लियर क्या? ठीक है, अब इसकी रिएक्शन देखो आगे, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाएगी, मिथाइल आयोडाइड के साथ। देखो 2O5 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, ये जो है सोडियम सॉल्ट, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मिथाइल आयोडाइड के साथ। ये हुई ये इधर, क्लियर ये वाली बात। तो इसको मैं लिख दूँ H5C2O C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O C2H5। बात क्लियर, और ये CH3। बताओ ये मिथाइल मेलोनिक एस्टर हो गया, उसका डेरिवेटिव है ना। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अपने को क्या करना है कि अपने को डाई मिथाइल चाहिए, सुन रहे हो मेरी बात है। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल सिमेट्रिक डाई मिथाइल जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ठीक है, तो क्या कर ले अपन, इसका वापस से सोडियम सॉल्ट बना लें। क्लियर क्या? अब देखो ऐसे दो मॉलिक्यूल को जोड़ना है, तो इसके लिए पहले क्या करोगे, इसका सोडियम सॉल्ट बनाओगे। देखो लिखा 5C2O C डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 C2H5O माइनस Na प्लस। बात मेरी समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, H प्लस लेगा, तो क्या बनाया 5C2O C डबल बॉन्ड O C माइनस CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, और ये क्या आ गया, Na प्लस। बात के लिए अब ऐसे मैं दो मॉलिक्यूल ले लूँ, है ना, ऐसे क्या करूँ, दो मॉलिक्यूल ले लूँ और उन दोनों मॉलिक्यूल की रिएक्शन I2 के साथ करवा दूँ, तो मुझे एक बात बताओ ये आपस में जुड़ जाएगा क्या। ठीक है, I2 के साथ करवा दूँ, तो देखो इधर मैंने लिया C5C2O C डबल बॉन्ड O CH3 माइनस Na प्लस है ना, C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, I2 के साथ रिएक्शन होगी, और ये और लिख देती हूँ मैं, माइनस C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये क्या है, Na प्लस है। ठीक है, अब देखो रिएक्शन होए जो क्या होएगा, 2NaI तो क्या हुआ, बाहर की तरफ गया, और देखो ये जुड़ गए इस तरीके से। मैं लिखूँ इसको CH3 और ये लिख दो डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 जुड़ गया ये। अब क्या करा दे अपन इसका हाइड्रोलाइसिस, देखो हाइड्रोलाइसिस
क्या करवा दिया इसका हाइड्रोलाइसिस। देखो इधर हाइड्रोलाइसिस हो तो क्या होएगा, ठीक है ये चीज हो गई, क्लियर ये वाली बात। अब अपने को क्या कराना है इसका डीकार्बोक्सिलेशन। क्या करवाना है डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल CO2 के रिमूव करें, दो मॉलिक्यूल क्या है CO2 के रिमूव करें, तो देखो क्या बना CH COOH CH3। देखो सेम साइड है ना ये, तो अपन इनको सेम साइड लिखेंगे CH3 और ये COOH, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा इसका, सिमेट्रिक डाइमिथाइल सक्सेनिक एसिड, बात क्लियर क्या। और अगर IUPAC नाम लिखना हो तो क्या लिखोगे इसका IUPAC नाम, अपने आप लिख लेना, क्लियर। IUPAC नोमेनक्लेचर तो आती है ना, अब तो थर्ड ईयर का पढ़ रहे हो, ये चीज़ तो 11th क्लास की है। IUPAC नाम अपने आप लिख लेना, और देखो IUPAC नोमेनक्लेचर आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है ना। आप लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर आनी चाहिए, ठीक है, हमेशा उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, तो आप लोगों को वो चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं कीटोनिक एसिड की सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ कीटोनिक एसिड, अपन किस तरीके से कीटोनिक एसिड की सिंथेसिस करेंगे। तो हेडिंग लिखी यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ कीटोनिक एसिड, है ना, कीटोनिक एसिड की सिंथेसिस किस तरीके से करेंगे। देखो इसके लिए वही अपन क्या करते हैं, पहले मेलोनिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट बनाएंगे, उसकी रिएक्शन एसाइल हैलाइड के साथ करवाई जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं लिख दूँ सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर, सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर रिएक्ट विथ एसिड हैलाइड या क्लोराइड लिख देती हूँ ना, टू गिव कीटोनिक एसिड बाई हाइड्रोलाइसिस एंड डीकार्बोक्सीलेशन प्रोसेस, ठीक है। क्या देखो कैसे मेलोनिक एस्टर लिखूँ मैं, ये ठीक है, बताओ सोडियम सॉल्ट कैसे बनाए, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, सोडियम इथोक्साइड के साथ, ठीक है। अब सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन हुई, और ये बन गया, ठीक है ना, Na+, क्लियर। ये क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, एसाइल क्लोराइड से, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ कराएंगे, एसाइल क्लोराइड से, ठीक है, लिखा है ना, रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड टू गिव कीटोनिक एसिड बाय हाइड्रोलाइसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, क्लियर। देखो
मैं यहाँ पे लिखूँ 5C2O, C डबल बॉन्ड O, CH, क्लियर ये चीज़। ये देखो CH3, C डबल बॉन्ड O, Cl, देखो ये अटैक है ना, देखो ऐसा होता ना, ये अटैक करा, ये इधर आया, ये इधर आया और ये बाहर, ठीक है, इस तरीके से ये हुआ 5C2O। अरे इलेक्ट्रोफाइल ही तो है ना, एसिल है ना, ये एसाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, ठीक है। जो चाहिए था थोड़ा बहुत, स्केलेटन बन के तैयार हो गया। अब अपन इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस और डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। देखो करा C2O, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। एक बात ध्यान रखना, नॉर्मल कंडीशन पर कभी भी कार्बोनाइल ग्रुप का कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है ना, हाइड्रोलाइसिस करवाया इसका। तो देखो CH3 डबल बॉन्ड CH, COOH, COOH। अब इसका क्या करवाएंगे, डीकार्बोक्सीलेशन, ठीक है। क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, डीकार्बोक्सिलेशन। तो अपने को क्या करना है, एक CO2 को बाहर निकालना है। तो देखो CH3, देखो आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, K2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो में कन्वर्ट करना चाहो तो इसका वो लिख दो OH। बताओ कीटोनिक एसिड बन गया, ठीक है, कीटोनिक एसिड। और IUPAC नॉमेनक्लेचर मुझे एक बार बताओ, आप लोग खुद करोगे इसकी, है ना, क्योंकि वो तो हमेशा से SW रहता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, कीटोनिक एसिड बन गया, आप IUPAC नॉमेनक्लेचर खुद लिखोगे। इसको बोले तो ये क्या है, कीटोनिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको बोले तो ये क्या है, कीटोनिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हो ना, सबसे पहले नंबर इसको, फिर इसको, ठीक है ना। तो आप वो वाली चीज़ है, उस तरीके से आप इसकी नॉमेनक्लेचर करोगे, और इसकी नॉमेनक्लेचर लिखनी है। अगर इसकी भी पूछे तो आप इसकी भी लिख सकते हो, क्योंकि इतनी टफ नहीं है, नॉमेनक्लेचर वही है जो आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो। IUPAC नॉमेनक्लेचर सबसे सही नॉमेनक्लेचर IUPAC जो दी है, ठीक है। मतलब ये तो नॉर्मली अपन बोलते ही हैं, मैलिक एसिड बन गया, मेलोनिक एसिड बन गया, लेकिन इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी आप लोगों को आना चाहिए, क्लियर। देखो कीटोनिक एसिड की सिंथेसिस हो गई, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके आगे। देखो नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड। सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है, अनसैचुरेटेड एसिड। अब देखो कौन सा बनाएंगे या कौन सा नहीं बनाएंगे, वो चीज़ जब बन जाएगा उसका नॉमेनक्लेचर लिखना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि अपन ले कौन सा रहे हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये एक नोवेल जेल जो पढ़े हो आप लोग, नोवेल जेल टाइप की रिएक्शन होती है अनसैचुरेटेड एसिड की, जो सिंथेसिस करते हैं वो नोवेल जेल रिएक्शन टाइप की होती है। और इसके लिए अपन क्या करते हैं, नॉर्मली इनकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इनकी रिएक्शन करवाई जाती है, क्लियर, क्या है ये चीज़, ठीक है। फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, ठीक है।
डीकार्बोक्सिलेशन करवाया जाता है, जिससे क्या होता है मेलोनिक एस्टर से अनसैचुरेटेड एसिड की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या लिखूँ, मेलोनिक एस्टर रिएक्ट विथ कार्बोनाइल कंपाउंड टू गिव अनसैचुरेटेड एसिड बाय द हाइड्रोलाइसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। ठीक है, बाय द हाइड्रोलाइसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले तो देखो इसके लिए क्या मैंने क्या कहा, ये नोवेल जेल टाइप की रिएक्शन होती है, उस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, देखो मैंने लिया है यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, नॉर्मली ये लिया मेलोनिक एस्टर, ठीक है, मेलोनिक एस्टर ले लिया। देखो इधर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, है ना, देखो ये नॉर्मली क्लियर, क्या रिमूव करूँ H2, देखो क्या बन गया, ठीक है, क्या बात, अनसैचुरेशन क्रिएट हो गई ना, डबल बॉन्ड, और ये किस तरीके की रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन है। ठीक है, देखो नॉर्मली जो नोवेल जेल रिएक्शन होती है, पढ़े हो ना आप लोग सेकंड ईयर में, उसमें पहले सोडियम इथोक्साइड के साथ क्या होती है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, है ना, इसकी रिएक्शन होगी जैसे इस तरीके से, जैसे मैं ये लिखूँ ये वाला ग्रुप है ना, अब जैसे ये सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी, क्लियर, ये वाली चीज़, तो ये क्या बना लेगा HC- और ये, ठीक है, बताओ ये मतलब सोडियम सॉल्ट बन गया। अब इसकी देखो रिएक्शन इस तरीके से होगी, ये H और ये CH3 जो नोवेल जेल रिएक्शन में आप लोग पढ़ते हो, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ठीक है, ऐसा हुआ तो देखो ये CO- ये H ये CH3 ये CH और ये इस तरीके से, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। अब देखो फिर क्या होता है, इसमें जैसे एसिड डाला जाता है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, और यहाँ से फिर ये क्या करेगा H को H2 के रूप में रिलीज करेगा, और फिर जाके ये डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं होता सीधा इसमें से ये रिमूव हो जाती है रिएक्शन में, और क्या करेगा इससे डबल बॉन्ड की जनरेशन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, मतलब अपन सीधा ऐसे डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते हैं, ऐसा दो हाइड्रोजन इसका और एक ऑक्सीजन इसका, नॉर्मली सीधी रिएक्शन है कि हाँ इस तरीके से होता है, बाकी इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, पहले कि इसका न्यूक्लियोफाइल बनता है, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस पर होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, फिर उसके बाद में उसमें से एक H2 का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और डबल बॉन्ड की जनरेशन होती है, समझ में आ रही है मेरी बात है। ठीक है, तो आप लोग जनरली इस टाइप से लिखो, क्योंकि ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हो पहले, है ना, तो इसलिए इसने इसे सीधा दे रखा है, जबकि आप लोग जो एसिटोएसिटिक एस्टर में भी इस तरीके की रिएक्शन पढ़े हो ना, अनसैचुरेटेड एसिड की सिंथेसिस, उसमें भी आप लोग क्या करोगे, वही पहले उसका न्यूक्लियोफाइल बनाओगे, न्यूक्लियोफाइल बनाने के बाद में फिर उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन द कार्बोनाइल कंपाउंड करवाओगे, फिर उसका H2 रिमूव करोगे, देन डबल बॉन्ड की जनरेशन होगी। ठीक है, ऐसे आप लोग डबल बॉन्ड की जनरेशन नहीं लिखोगे, समझ में मेरी बात है। ठीक है, इस तरीके से करना है भैया, सीधा मत कर देना ये इस तरीके से, मतलब ये जैसे 3 नंबर की आ गई रिएक्शन है ना, और आप इसमें ऐसा सीधा लिखो तो नंबर नहीं मिलेंगे, इसको पूरा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैकेनिज्म इसकी लिखनी पड़ेगी, क्लियर ये चीज़ है। ठीक है, तो वो वाली बात है, आप लोगों को ये वाली बात मेंशन करनी है, यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, देखो इसके मैं लिख देती हूँ, आप लोग जो पहले करवा दिया है उसके आप लोग खुद लिख लेना इस तरीके की। देखो ये बनेगा कैसे,
ये देखो, देखो अपन क्या करते हैं, ये वाली चीज़ लिखते हैं इसमें ना, तो ये ओ एच, ये सी एच थ्री। अब देखो एच यहाँ पर भी तो है ना, ये इधर माइनस एच टू, तब जनरेट होता है ये इस तरीके से। आई बात समझ में? एच भी तो है ना, क्लियर? तब जाके वो बनता है, समझिए मेरी बात। तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है? एक और बात ध्यान में रखना, देखो यहाँ पर O माइनस के H जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे एच टू ओ ओब्लिक एच प्लस लिखा है, मतलब एसिडिक मीडियम ले लिया। तो ये जो रिएक्शन होती है ना इसके साथ साथ है ना, ये वाली चीज़ एसिडिक मीडियम क्या होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस भी हो जाता है, तो नॉर्मली वो रिएक्शन भी यहाँ पर प्रोसीड होती है उसी कारण से। क्लियर? ये चीज़ आप लोगों को इस तरीके से इसके ये वाली मैकेनिज्म लिखनी है। अब ये बना है ना, अब इसका क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे। देखो क्या था अपना, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव, ठीक है? अब देखो इसका क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस। और ये होने के बाद तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे क्या, अपने आप ही हो जाता है ना? सी एस सी साइड रिएक्शन होती है, और साइड रिएक्शन को किसी को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप प्रोसीड हो जाती है, ठीक है? बताओ ये अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब इसका अपन क्या करा देंगे, डीकार्बोक्सीलेशन। तो सी ओ टू बाहर, सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड सी एच सी ओ ओ एच, देखो अल्फा बीटा। तो बताओ ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन गया ना, क्लियर? आपको इस तरीके से करना है, ठीक है? जो मैकेनिज्म आप लोगों को नोवेल जेल टाइप की मैकेनिज्म होती है वो इस तरीके की होती है, और नॉर्मल प्रोसेस ये होता है, क्लियर? ऐसे नहीं करना, सीधा नहीं लिखना है, जो आप लोगों के पहले भी कर चुके हो, ठीक है? पहले भी कर चुके हो ना ये वाली चीज़ें एसिटोएस्टिक एस्टर के लिए, तो उसमें भी आप लोगों को इसी तरीके से इसको लिखना है। मैकेनिज्म इसकी नोवेल जेल टाइप की होती है वो इस तरीके की लिखनी है, क्लियर? ये वाली चीज़, ठीक है? और ये कैसा एसिड है, क्रोटोनिक एसिड है, ये तो ड्राइवर नेम है इसका, आईयूपीएसी नेम अपने आप लिख लेना, ठीक है? नेक्स्ट देखो, सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड।
देखो नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। देखो एमिनो एसिड की सिंथेसिस अपन मेलोनिक एस्टर से किस तरीके से करते हैं, वो वाली चीज़ यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया मेलोनिक एस्टर के साथ करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसका रिडक्शन करवाया जाता है, क्लियर। रिडक्शन जैसे जिंक एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करवा लिया, ठीक है। तो फिर उसका रिडक्शन करवाया जाता है, उसके बाद में उसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से या एसिड क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, ठीक है। फिर जनरली वही उसका हाइड्रोलाइसिस और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। उससे फाइनली क्या होता है, अपने एमिनो एसिड की सिंथेसिस होती है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूं, मेलोनिक एस्टर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन टू गिव ऑक्सिम डेरिवेटिव, ठीक है। मेलोनिक एसिड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन टू गिव ऑक्सिम डेरिवेटिव विच ऑन रिडक्शन विच ऑन रिडक्शन असाइलेशन हाइड्रोलाइसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन टू गिव फाइनल प्रोडक्ट एमिनो एसिड, ठीक है। क्या लिखा मैंने, मेलोनिक एस्टर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमिन टू गिव ऑक्सिम डेरिवेटिव विच ऑन रिडक्शन एसाइलेशन हाइड्रोलाइसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेज टू गिव, यहाँ पे लिखूँ टू गिव फाइनल प्रोडक्ट एमिनो एसिड, ठीक है। ये नॉर्मली रिएक्शन होती है और इसके सबसे लास्ट में क्या होता है, एमिनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। देखो इधर जैसे मैंने सबसे पहले लिखा, जैसे ये मेलोनिक एस्टर ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे अपन, हाइड्रोक्सिल एमीन से, या हाइड्रोक्सिल एमीन होता है, ठीक है। वही ये यहाँ से गया, क्या रिमूव हुआ, H2, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देखो मैं इससे करवा दूँ, ये चीज़ समझ में आप लोगों को बात है, ठीक है। ये बन गया ऑक्सिम डेरिवेटिव बन गया, क्या है ये, ऑक्सिम। अब क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, जेडन एसिटिक एसिड, क्या है ये, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन करा तो क्या बना, देखो इधर इसका
ठीक है, रिडक्शन से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन नॉर्मली जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये सॉरी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में, इसमें सॉरी ये OH लिख गया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में एमीन बन जाएगा। बता मेलोनिक एस्टर का एमिनो डेरिवेटिव बन गया। अब इसका क्या करवाया जाता है, असाइलेशन, ठीक है, क्या होएगा इसका, असाइलेशन। और इसके लिए क्या यूज किया जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड होगा तो मुझे एक बात बताओ, ये वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, कार्बोनिल ग्रुप है ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक तो ऑक्सीजन व्यवहार कर सकता है, एक नाइट्रोजन कर सकता है, तो पहला अटैक किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। देखो इसने इस पर अटैक करा, ठीक है क्या, तो ये ऐसे कैसे आया, तो इसने अटैक करा, फिर ये वापस ऐसे कैसे गया और ये बाहर, समझे मेरी बात है, ठीक है। देखो इसको लिख दूँ मैं 5C2O, ठीक है। और देखो ये है अनस्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये H प्लस रिमूव करा, ये इसके साथ जुड़कर एसिटिक एसिड बना लेगा, है ना, क्या लिखूँ इसको, CH3COOH, NH सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, ठीक है क्या, मुझे एक बार बताओ इसका असाइलेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करवाएंगे इसका हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होएगा, तो इसके हाइड्रोलाइसिस में क्या हो जाएगा, इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, ये जो असाइलेशन करा है ना इसका, देखो ये किसके लिए करा है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए, ये इसकी प्रोटेक्शन करी है, क्योंकि अगर अपन इसका अभी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, ठीक है, अभी जो इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता तो बताओ ये NH2 ग्रुप के रूप में था, है ना, और NH2 ग्रुप के रूप में नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करता, एसिडिक मीडिया से H प्लस ले लेता, तो इसको प्रोटेक्ट करवा दिया पहले, किससे, एसिडिक एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन करवा कर। आप चाहो तो यहाँ पर एसिड क्लोराइड भी ले सकते हो, ये क्या कहलाता है, इसका प्रोटेक्शन कहलाता है, ठीक है, ये आसानी से प्रोटेक्ट हो जाते हैं और आसानी से डी प्रोटेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखूँ हाइड्रोलाइसिस, देखो हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, ये एसिड बना, ये एसिड बना, और ये क्या बनेगा, NH2, क्लियर। अब देखो डीकार्बोक्सिलेशन कराऊँ इसका मैं, तो CO2 बाहर, तो देखना NH2 CH2 COOH, और इसे अपन क्या कहते हैं, एमिनो एसिड, और इसका नाम क्या है, ग्लाइसिन, ठीक है, सबसे पहला एमिनो एसिड है ना, ये नाम क्या है, ग्लाइसिन, जो कि एकाइरल नेचर का होता है ना, यही अमीनो एसिड है जो नॉर्मली एकाइरल नेचर का होता है, ठीक। नाम क्या है इसका, ग्लाइसिन, क्या नाम है इसका, ग्लाइसिन,
ग्लाइसिन एमिनो एसिड है ना, एमिनो एसिड है ये, एमिनो एसिड। नेक्स्ट चीज़ क्या, ये कैसे देखो मो जनरली क्या होते हैं एमिनो एसिड काइरल नेचर के होते हैं, ये ए काइरल नेचर का क्या है, एमिनो एसिड है, समझ गए मेरी ये बात है, ठीक है। तो देखो पूरी रिएक्शन के लिए अपन ने क्या करा, इसमें सबसे पहले मैलोनिक एस्टर की रिएक्शन किससे कराई, हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाई, फिर ऑक्सिम की फॉर्मेशन हुई, ठीक है ये बना ना, वो वहाँ पे पहले करवाया था, फिर ऑक्सिम की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद में इसका रिडक्शन करवाया। देखो रिडक्शन अपन कौन सा रिएजेंट ले कौन सा नहीं ले ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि हर रिड्यूसिंग एजेंट का जो फंक्शन होता है वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, ऐसा नहीं है जिंक एस्पिक एसिड सबके रिडक्शन कर देगा, ऐसा नहीं होता है, ये इसके रिडक्शन के लिए यूज़ लेते हैं, इसके लिए। देखो इनका रिडक्शन नहीं हुआ ना, ये ऐसे के ऐसे हैं, क्लियर के ये वाली चीज़ कई होते हैं जो इनका भी रिडक्शन कर देते हैं, तो वो वाली बात ध्यान में रखनी है। फिर देखो इससे इसकी अब इसका क्या कराएंगे, प्रोटेक्शन है ना, ये कौन सी रिएक्शन है इसकी, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या करवा दिया इसका, प्रोटेक्शन करवा दिया। अब यहाँ से ये इस पर प्रोटेक्शन हुआ तो प्लस चार्ज आया, तो उस प्लस चार्ज को बोले तो हाइड्रोजन को H प्लस फॉर्म में रिमूव कर दें तो प्लस चार्ज हट जाएगा, क्लियर क्या। फाइनली ये वाला बच गया, ये इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब देखो अब ये कहे कि इसका प्रोटेक्शन कैसे हुआ, क्योंकि एसिडिक मीडिया में अब ये लोन पेयर फ्री नहीं है, ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, इसलिए ये NH ग्रुप के रूप में रह सकता है, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस करवाया है ना, तो ये रिएक्शन क्या है, डी प्रोटेक्शन, ये रिएक्शन ही क्या है इसके, डी प्रोटेक्शन रिएक्शन कहलाती है, जिसमें ये बना और उसके बाद में फाइनली अपन क्या करते हैं, जो डाई कार्बोक्सिलिक एमिनो डेरिवेटिव बनाए हैं उसका डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, जिससे CO2 क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और कौन से एमिनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ग्लाइसिन एमिनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर अपन अलग तरीके के एमिनो एसिड बनाने चाहे तो जनरली क्या करेंगे अपन, जो भी है नाइट्रोजन का जैसे डेरिवेटिव इस OH की जगह और कुछ भी लगा के जनरली क्या कर सकते हैं अपन, एमिनो एसिड की सिंथेसिस कर सकते हैं। आप लोगों के अभी सिलेबस में क्या दे रखा है, इतना दे रखा है ग्लाइसिन की सिंथेसिस मेलोनिक एस्टर से किस तरीके से करते हैं, पूरा वोल प्रोसेस आपको स्टेप वाइज पता होना चाहिए, ठीक है। पता होएगा तो आप स्टेप वाइज लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म लिख दी थोड़ा कुछ कर लिया तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, समझ में ही मेरी बात है, ठीक है।